Okay, so talking about Big Boss 15, you guys were the most talking point of the Big Boss 15, and even Valentine Day is coming up. So, कितने ज़्यादा excited हो ये Valentine Day के लिए? यार वैलेंटाइंस डे के लिए एक्साइटमेंट तो डेफिनेटली है, बिकॉज दिस इज़ आवर फर्स्ट वैलेंटाइन डे टुगेदर. एंड रोज़ ही वैलेंटाइंस डे है यार, बहुत क्लीशे लाइन है, बट इज इज़ दैट जब आप किसी से प्यार करते हैं, द फीलिंग्स इन ऑल ऑफ दैट. एक जस्ट वैलेंटाइंस डे होता है जिस दिन यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स द पर्सन. एंड या सो या मैं ये बोलना चाहूँगी कि रोज ही वैलेंटाइंस डे है हमारे लिए. oh तो ये ले लो, पता नहीं पड़ा था मेरा नहीं, मैं लेके नहीं आई हूँ. बट या आई फील लव डजंट हैव टू बी सेलिब्रेटेड ओनली ऑन वन सिंगल डे, कैन बी सेलिब्रेटेड एवरी डे. सो या मैं वैलेंटाइंस डे मेरा नहीं मानती हूँ, पर ये बहुत मानते मैं है. मानता हूँ तो ये मुझे सरप्राइज करने वाले है. वैलेंटाइंस डे में ये मानते हैं मैं कि बचपन से मनाता रहा हूं, पर आपने बोला ना हमारा फर्स्ट वैलेंटाइन डे, तो आप मुझे सरप्राइज करोगे. ठीक है, ओके. एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द मैम? जिस तरह बिग बॉस की मैं बात करूं तो लगातार मैम ने सपोर्ट किया. इट्स फाइट हो गया या कुछ भी हो जाए, मैम ने आपको काफी सपोर्ट किया था बिग बॉस की जर्नी में, उसके बारे में आपको क्या कहना है? तभी साथ में हूं जैसे सपोर्ट करा उसने. अब से तू इसका फेवरेट है लिख के दे रहा हूं भाई. ऑन अ सीरियस नोट, जेन्युइनली इसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया थ्रू आउट द जर्नी, बहुत सपोर्ट किया, नॉट जस्ट इन द बिग बॉस हाउस. मैं जब से बाहर आया हूँ, इवन दो वी फाइट, एंड ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती, वी फाइट अ लॉट. हम दोनों के बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हर दूसरे दिन ही होते हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि वी टॉक इट आउट एट द एंड ऑफ द डे. और जो ये सपोर्ट मुझे बिग बॉस के घर में करती थी, उन्होंने वही सपोर्ट मुझे बिग बॉस के बाहर भी करा है. एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट कि जिस तरीके से उन्होंने मेरा ध्यान रखा है घर में, बाहर, वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो डू यू गाइस आर थैंकफुल ऑफ बिग बॉस फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल कपल? डेफिनेटली यस. बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरा हिंदुस्तान देखता है. आई नो पीपल जो बिग बॉस जाने के लिए बहुत पैशनेट हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जा पा रहे हैं, सालों से ट्राई कर रहे हैं. तो इट वाज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ अस, बिग बॉस जाना, वहाँ एक नाम बनाना एंड एक दूसरे से मिलना. इट वाज डेस्टिन एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड वी ऑल नो हु प्रपोज्ड फर्स्ट, बट जानना चाहेंगे कि किसने पहले प्रपोज्ड किया और कब किया. मैम आपसे बताइए. मैम ही प्रपोज्ड फर्स्ट ऑब्वियसली. पहले तो एक ऑफिशियल वाला प्रपोजल तो वो वीकेंड के वार का दिन था जब मैंने वो रेड लहंगा पहना था, पर उसके पहले एक अनऑफिशियल प्रपोजल भी था द फर्स्ट वीकेंड का वार, रिमेंबर सीसी पे. तो उन्होंने ही वाज गोइंग टू टेल मी हिज फीलिंग्स, आई वाज लाइक नहीं आज मत बताना, मुझे ठीक से बोलना, लाइक प्रपोज मी लाइक प्रॉपरली. तो हमारा अनऑफिशियल वाला, शी वांटेड मी टू डू समथिंग स्पेशल फॉर हर. और मैं बोलता हूँ कि बिग बॉस के घर में मैं क्या स्पेशल करूँ यार तेरे लिए, बट वो लकीली फॉर्चुनेटली वो एक आई थिंक कुछ कोई फेस्टिवल था या कुछ था, नवरात्रि थी, वेयर आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर मैंने इनको प्रपोज किया. एंड या एंड माय क्वेश्चन इज फॉर यू मैम, द थ्री क्वालिटीज व्हाट यू लाइक द मोस्ट अबाउट सर? व्हाट आई लाइक अबाउट हिम, ही इज प्रोटेक्टिव. He's protective. He is romantic. Yeah. नहीं ऐसी बोल रही हूँ. छुट्टी. No, but you are a little kind of a little romantic. So he is protective. He's romantic. And I think my favorite thing about you is that you are protective. So I like that. You're romantic. And I feel that you मतलब कुछ टाइम बाद तो अपना एंगर ऐसा थूक ले, मतलब थूक के यू आर देन वेरी लाइक स्वीट एंड मशी एंड आई लाइक दैट, कि इतना बहुत टाइम तक गुस्सा नहीं होता है. सर अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैडम की कोई तीन अच्छी क्वालिटीज बता दीजिए. करेक्ट, आप बताइए. तो सबसे अच्छी क्वालिटीज, शी टेक्स केयर ऑफ मी, बहुत केयरिंग है. इवन दो देर आर डेज वेन वी फाइट, बट शील कम एंड आस्क मी के खाने में क्या खाना है एंड ऑल ऑफ दैट. वो उसका हर एक चीज संजीत खाने के ऊपर ही है. हाँ, मतलब वो पूछते हैं कि खाने में क्या खाएगी तो वो केयरिंग है. हाँ. तो यू आर या क्या बोलूँ, नहीं है केयरिंग नहीं बट खाना अच्छा. ओके, हाँ, अभी मुझे डिसाइड करना है ना. बोलना बोलना.
सो केयरिंग है, खाना बहुत अच्छा बनाती है, बस ये बेस्ट पार्ट यही है. प्रोटेक्टिव है. एंड सोशल मीडिया की मैं बात करूँ तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. इन एंड आउट की मैं बात करूँ तो आपके लाइफ में सोशल मीडिया क्या रोल प्ले करता है एज कम्पेयर टू जो भी हैशटैग्स बनते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ. मतलब जो हैशटैग्स बनते हैं फॉर एन एग्जाम्पल थ्री जिरन आपके ऊपर भी हैशटैग्स है, तो उस हैशटैग से किस तरह सोशल मीडिया आपको हेल्प किया है? आई थिंक वो हैशटैग बनने से पहले ही इन्होंने वो हैशटैग घर के अंदर ही बना दिया था, बिकॉज उन्होंने जब प्रपोज़ किया था तभी उसने उन्होंने बोला था कि मी ईशान आई मीन आई ईशान एम आस्किंग यू मायशा विल यू बी माई मायशान. तो उन्होंने ही वो हैशटैग बना दिया था घर के अंदर. तो या आई डोंट थिंक इन एनी स्पेसिफिक वे वो हेल्प करता है. इट इज़ जस्ट इट डजंट हेल्प यू, इट जस्ट makes you a little feel more feel very loved. yeah right हाँ कि people are like माईशान माईशान तो बहुत ऐसा प्यार type बहुत अच्छा लगता है जब लोगों को हम लोग पसंद आते हैं, जब because हम लोग इतनी मेहनत करते हैं. जहाँ तक यार बॉम्बे एक ऐसा शहर है लाखों लोग रोज आते हैं अपना नाम बनाने के लिए. ये भी ऐसे ही आई थी, मैं भी आया था. एंड टचवुड जो आज हम लोगों ने एक नाम बनाया है ये वेरी हैप्पी. और ये जो माईशान लोगों ने एक नाम दिया है तो बहुत खुशी होती है इस चीज़ की कि लोगों को पसंद आ रहे हैं, उनको हमारा काम अच्छा लग रहा है, उनको साथ में अच्छे लग रहे हैं. तो वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट. एंड आफ्टर कमिंग आउट ऑफ बिग बॉस तो किस तरह से लाइफ चेंज हुई आप दोनों की? लाइफ जहाँ तक मैं अगर अपनी बात करूँ मेरी जहाँ तक चेंज हुई है, आई हैव गॉट सम सॉर्ट ऑफ रिकग्निशन जो विच आई रियली वॉन्टेड. आई ऑनेस्टली वॉन्टेड टू मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ, जैसा मैंने अभी आप लोगों को कहा. तो बिग बॉस ने मुझे वो नाम दिया है मेरे लिए, लोगों को पता है शान कौन है. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट. और मैडम का कैसा बताइए? हाउ डिड चेंज माई लाइफ? आई मीन ऑब्वियसली मैंने इसके पहले दो रियलिटी शोज किए हैं, बट जो बिग बॉस एक जो एक फेम देता है दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फेम. जैसे यू नो पैप्स आना या फिर पीपल लाइक वांटिंग टू नो व्हाट आई एम डूइंग और एंड दिस एंड दैट. आई थिंक बिग बॉस के बाद वो एक बहुत अलग फेम होता है बिकॉज लाइक दे राइटली से हाँ एंड लाइक दे राइटली से दैट बिग बॉस इज द अल्टीमेट रियलिटी शो. बिकॉज उससे बड़ा रियलिटी शो नहीं है कोई हमारे हिंदुस्तान में. सो या इट डिड it put me out there even more. I think even more people got to know me and even work wise touchwood it's been very nice for me. So at this point of your career, so what kind of project you are looking forward? यार मैं कभी भी मैं बहुत ज़्यादा चूजी नहीं हूँ अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर. इज इज दैट मेरे पास अगर कोई रोल आता है या कोई स्क्रिप्ट आती है तो मैं बस ये देखता हूँ उस चीज़ में दैट विल आई बी एबल टू जस्टिफाई दिस कैरेक्टर. जहाँ मुझे लगता है कि मैं इस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सकता हूँ मैं उस चीज़ के लिए हाँ बोल देता हूँ. अगेन आई हैव नेवर रियली प्लान्ड एनीथिंग. जहाँ तक मैं पहुँची भी हूँ मैंने कुछ प्लानिंग नहीं किया था, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है दैट इफ़ यू प्लान एंड इफ़ यू वॉन्ट एंड इफ़ यू प्रे फॉर समथिंग मे बी गॉड हैज़ बिगर प्लान्स फॉर यू. सो नेवर रियली प्लान एनीथिंग. सो जो भी आता है एंड इफ इट्स गुड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू इट. एंड लास्टली वैलेंटाइन डे का कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज फैंस को देना चाहोगे? वैलेंटाइन्स डे सबसे पहले तो अब सबको ही अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे फ्रॉम बोथ ऑफ अस. जस्ट बी योरसेल्फ. अगर आपको किसी से प्यार है तो जस्ट बी योरसेल्फ. डोंट बी अफ्रेड अपनी फीलिंग्स बताने में. कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया क्या बोलेगी, बिकॉज मैंने ज़िंदगी में आज तक ये नहीं सोचा कि लोग क्या बोलेंगे. और जब मुझे प्यार हुआ तो मैंने बिना डरे बिना सोचे इनको बताया हाउ आई फेल्ट अबाउट हर. सो या you just don't have to think ke duniya kya sochegi, just be yourself. And also to give a very different take on this also, I think one thing that I really would want to tell the youth out there, like all the guys and also the women, that consent is very important. No means no. And yeah, I just hope that you all really understand it one day. I mean not one day, start understanding it right now that no means no. So consent is very, very important. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, guys.